हेलो नमस्ते, मैं हूं नैना। स्वागत है आपका रूह योग में। आज मैं आपको बताऊंगी तीन ऐसे योगासन जिसको करने से आपकी स्टमक की, आपके पेट की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी खत्म हो जाएंगी। और अगर आप इन्हें रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको लाइफ में कभी भी स्टमक से रिलेटेड, आपके पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मंडुकासन, और ये उनके लिए है जिन्होंने जंक फूड खाके, बाहर का खाके और ओवर ईटिंग करके अपने स्टमक की बैंड बजा ली है। तो इसको करने के बाद आपके स्टमक की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, और अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो आपको स्टमक से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको करने के लिए हाथों को इस तरीके से अपने अंगूठे को अंदर करें, और ये और अपना जो आपका जो नेबल है, जो आपकी नाभि है, उसके पास को, सांस को अंदर को लेके ये लगाएं और फेस को ऊपर रखते हुए नीचे, और यहां पे स्टार्टिंग में 30 सेकेंड और धीरे धीरे 1 मिनट तक रुके। यहां पे रुक के आप चाहे तो मन ही मन ओम का जाप भी कर सकते हैं, इससे आपके माइंड को भी रिलैक्स मिलेगा। ब्रीथिंग नॉर्मल रहेगी, धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही वापस। इसका ये दूसरा है, इसको करने के बाद ये भी करना है। हाथ को अपने लेवल के पास इस तरीके से रखना है और उसके ऊपर दूसरा, और इस तरीके से ब्रेथ को बाहर छोड़ेंगे और धीरे धीरे ब्रीथिंग करते हुए आगे। सेम यहां पे स्टार्टिंग में 30 सेकेंड और फिर जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो 1 मिनट तक रुकिए। ब्रीथिंग नॉर्मल, मन ही मन ओम का पाठ भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस, और सेम जैसे फिर अभी हमने ये हाथ अंदर किया था, अब इसको अंदर की साइड और ये बाहर की साइड से। धीरे धीरे वापस। इसके बाद जो दूसरा आसन है वो है पवन मुक्त आसन। उससे आपको डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और अगर गैस की कोई प्रॉब्लम है तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बट इसको रेगुलर करना है और 1 मिनट तक करना है। किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको करने के लिए पहले सब आसन में लेट जाइए। इस तरीके से सब आसन में लेट जाइए, पैरों को इस तरीके से फोल्ड करिए और ऊपर आइए, दोनों हाथों को ग्रिप करके आपका जो फोरहेड है या आपके चिन है उसको आप नी से लगाइए अपने, और वहां पे 1 मिनट तक रुकना है। स्टार्टिंग में आप 30 सेकेंड रुक सकते हैं, धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप यहाँ पे 1 मिनट तक रुकेंगे। स्टार्ट करते हैं और करने के बाद ब्रीथिंग नॉर्मल रहेगी। इस आसन का नाम है उत्तान पादासन। इस आसन को स्टार्टिंग में 30 सेकेंड, धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाकर 1 मिनट तक करें। इसमें अपने पैरों को 30 डिग्री तक ऊपर लेके जाना होता है, इतना ऊपर कि आपके जो पैरों के अंगूठे हैं वो दिखने लगे। ऐसा रेगुलर करें। इन तीनों आसनों को करने से आपका जो स्टमक की प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस इन तीनों आसनों को आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
जैसे जैसे पैर ऊपर लेके गए थे वैसे वैसे वापस।